प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, 12वीं क्लास के मैथ में एक्सरसाइज 4.5 का 3 नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन पेपर में सब्जेक्टिव के रूप में देता है, तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन पर अच्छे तरीके से हम ध्यान देकर आपको बताएंगे, ताकि आपके दिमाग में डायरेक्ट चला जाए। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना पसंद करूंगा इस टॉपिक के लिए। वो बातें क्या है कि प्यारे बच्चों, ये प्रमेय भी है और ये प्रमेय खास रिलेशन को जुड़ा है, कोई आव्यूह, उसके एडजॉइंट, उसके डिटरमिनेंट्स और तत्समक आव्यूह के बीच एक संबंध को बताया है, और वो संबंध निकल कर जानते हैं क्या आता है, यानी ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई आता है, और इस आव्यूह को लेकर इसको सत्यापित कर देना है। तो बताइए कितना आसान प्रॉब्लम है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आव्यूह इसको ए मान लेते हैं, क्योंकि मानना तो पड़ेगा 2, 3, 4, 6। अब यहां पर इसमें देखिए एडजॉइंट ए यानी सहखंडज, ए का सहखंडज निकालना है। तो बताइए सहखंडज कैसे निकालते हैं। सहखंडज निकालने के लिए आपको को फैक्टर निकालना जरूरी है, और को फैक्टर आप निकालना जानते हैं तभी आप निकाल सकते हैं, और मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है कि को फैक्टर कैसे निकाला जाता है, और इसका 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका को फैक्टर चाहिए, जिसके लिए हम A11 से लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे A12 से लिखते हैं, इसके लिए क्या लिखेंगे A21 से लिखेंगे, और इसके लिए क्या लिखेंगे सर A22 से लिखेंगे ना। अब रहा को फैक्टर की बात, तो को फैक्टर कैसे निकाले, तो प्यारे बच्चों आपको फॉर्मूला मालूम है कि AIJ बराबर -AK^i + j (i)(MIJ) होता है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर प्रत्येक एलिमेंट्स का हम को फैक्टर पता लगा सकते हैं, लेकिन चलिए दोस्तों आप निकाल सकते हैं आराम से, लेकिन आज हम आपको देसी स्टाइल में बताएंगे को फैक्टर निकालने के लिए, एकदम देसी स्टाइल में, एक के बारे में समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों, इसका को फैक्टर चाहिए ना, तो एक चीज सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक चिन्ह आप ये याद रखिएगा 2×2 के लिए, प्लस माइनस माइनस प्लस, याद क्या रखना है, जोड़ेंगे A11 के स्थान पर जोड़ेंगे 2, सम संख्या आ गया तो प्लस होगा, आगे विषम आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका को फैक्टर चाहिए ना 2 का, तो सिंपल सी बात है, इसके सामने वाले स्तंभ, इसके सामने वाले पंक्ति और इसके सामने वाले स्तंभ को बंद करिए, क्या मिलेगा 6, और चिन्ह क्या है प्लस है, तो प्लस निकल गया, निकल गया इसका को फैक्टर, बिल्कुल आसान है। चलेंगे, इसका को फैक्टर चाहिए तो इसके सामने वाला पंक्ति तो यह है स्तंभ, इसको इसके सामने वाले पंक्ति और स्तंभ को हटाइए, ये कितना है 4 है तो 4, और देखिए वहां पर माइनस है तो माइनस, निकल गया इसका को फैक्टर। इस सिंबल का जरूर प्रयोग करेंगे तब आपका को फैक्टर होगा। चलिए, इसका को फैक्टर चाहिए तो इसके सामने वाला पंक्ति और स्तंभ यह कितना मिला 3, और चिन्ह देख लीजिए माइनस, मजा आ गया ना। A22 यहां पर A22, तो यहां पर इसका को फैक्टर चाहिए तो इसके सामने वाला पंक्ति और स्तंभ में इसको हटाइए 2, और चिन्ह देखिए प्लस है तो प्लस। तो प्यारे बच्चों, इसको कितने अच्छे तरीके से यहां पर लिख लेंगे 6 - 4 - 3 - 2, और जब इसका परिवर्त निकालेंगे तो इस आव्यूह का एडजॉइंट मिल जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, परिवर्त देना पड़ेगा यहां पर। तो प्यारे बच्चों, यहां से एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा, परिवर्त अब कैसे निकाले, तो आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि जो पंक्ति में है ना उसको स्तंभ में लिखिए, तो 6 - 4, और ए भी पंक्ति में स्तंभ में लिखिए -3 - 2। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से पंक्ति और स्तंभ आपस में इंटरचेंज हो गया और आपका एडजॉइंट ए मिल गया। बताइए बात समझ में आया। कहेंगे ए सर, इस फॉर्मूला से कैसे निकालते हैं, 1-2 निकाल कर दिखाइए, तो देख लीजिए बाबू, A11 बराबर -AK^(1+1)×MA1 होगा, तो -AK^(2)×MA1, मतलब इसका उपसारणिक, तो इसके सामने वाला पंक्ति और स्तंभ यह कितना 6, तो 6 देखिए तो सही है ना, बिल्कुल सही है कि नहीं।
अगर ए वन टू निकालते हैं तो क्या करेंगे, माइनस ए के पावर वन प्लस टू आई इंटू एम वन टू हो जाएगा, तो माइनस ए के पावर तीन इंटू एम वन टू, यानी प्यारे बच्चों इसका उपसारणिक, तो इसके सामने वाला पंक्ति और रस्ता में यह कितना होगा, चार, गुना कर लेंगे माइनस चार, देखिए माइनस चार तो आया है ना, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हमें क्या सत्यापित करना है, ए, तो यहां पर लिखें टू फाइंड, चलिए हमें निकालना है ए इंटू एडजॉइंट ए, ये बहुत आसान टॉपिक है, तो एक काम करेंगे ए आबिहू ए, तो आबिहू ए क्या है, दो है, तीन है, चार है, छ है, इंटू एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए तो ए ना है, कितना है, छ है, माइनस तीन है, माइनस तीन है, माइनस चार है, दो है। अब बताइए आपको तो मालूम है गुना कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताइए, तैयार है ना गुना करने के लिए, चलिए इसका इलाज किया जाए। ये पहला पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, तो ये छः गुना के बारह, बीच में प्लस का चिन्ह देते हैं, और तीन में माइनस चार से गुना होगा, माइनस बारह ही होगा। अब चलिए पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में हो गया, तो पहले पंक्ति से दूसरे स्तंभ में करेंगे, मतलब इसमें करेंगे, तो दो में माइनस तीन से गुना होगा माइनस छ, आ प्लस है, तीन दुना का छ हो जाएगा, बात समझ में आता होगा। अब देखिए पहले पंक्ति से दोनों स्तंभ में कर लिए बारी बारी से, अब दूसरे पंक्ति से पहले स्तंभ में करेंगे, तो है चार में छ से गुना करेंगे तो चौबीस ना होगा, आ प्लस, आ इसे इसमें गुना करेंगे माइनस चौबीस हो जाएगा। अब इससे तो पहले पंक्ति में हो गया, अब इससे दूसरे पंक्ति में, तो कितना होगा, माइनस चढ़ती है बारह, प्लस छः दुना के बारह, लीजिए गुना कर लेने के बाद जीरो 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 आ गया, यानी पहला का रिजल्ट क्या आया, जीरो 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 आया। तो दोस्तों ये तो निकाल लिए ना, अब बारी है इसका नाउ, अब हमें क्या फाइंड करना है जी, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ए आ इंटू ए, लीजिए ये बुर्बक बना दिया है, तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं, एडजॉइंट ए पहले रख देना है, तो एडजॉइंट ए कितना है जी, यानी छ है, माइनस तीन है, आ माइनस चार है, दो है, हाई देखिए आ इंटू ए, इंटू ए मतलब ए कितना है, दो है, तीन है, चार है, छ है, चलिए इसको गुना कर लिया जाए, तो गुना करेंगे तो पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में, तो ये कितना होगा, छ दुना के बारह, प्लस देंगे ना, इससे इसमें गुना माइनस बारह हो जाएगा, और पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में हो गया, और पहले पंक्ति से दूसरे स्तंभ में, तो छतरी अठारह, आ प्लस, ये क्या होगा, छतरी अठारह हो जाएगा, माइनस में होगा, इससे इसमें गुना करेंगे माइनस अठारह होगा ना, अब इससे इसमें गुना करेंगे माइनस चार दुना के आठ, प्लस चार दुना के आठ, अब इससे इसमें करेंगे माइनस बारह, प्लस छः दुना के बारह, आप देख सकते हैं ये भी जीरो 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 आ गया, यानी दूसरे का भी रिजल्ट जीरो 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 जीरो, तो ये तो दोनों बराबर है, आए दोनों भी इसके बराबर आएगा। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, हमें क्या करना है, ए ए का सारणिक इंटू ए, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर पहले हमें ए निकालना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई, तो पहले डिटर्मिनेंट्स ए निकाल लिया जाए, तो कैसे इसको डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिखेंगे, तो दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार होगा, छ होगा, तो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, बारह और माइनस बारह, ए क्या होगा, जीरो, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए इंटू आई, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई, तो इसका मान जीरो, आई इंटू आई का मान एक, जीरो जीरो एक। अब यहाँ पर सोचिएगा, अगर है दो गुणे दो कोटि का भी हुआ है तो एक जीरो जीरो एक लेंगे, अगर है तीन कोटि का भी, तीन गुणे तीन कोटि का भी होता तो एक जीरो 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 एक जीरो 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 एक लेते, तो गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो 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 जीरो। तो देखिए ये तीसरा रिजल्ट भी, ये तीनों क्या हो गया, आपस में बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए आ ए इंटू ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए आप बराबर एक डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई। देखिए प्रूव हो गया, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, बिल्कुल आप बना सकते हैं देसी स्टाइल में, तो बताएं एकदम आराम से कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं चार नंबर क्वेश्चन की तरफ और इसी कंडीशन पर आपको बनानी है। तो कैसा लग रहा है बताइए, कहेंगे सर कमेंट्स में बताएंगे कैसा लग रहा है, अभी कैसे हम बता पाए, जरूर बात सही है। अब चलिए हम बढ़ते हैं चार नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए भैया चार नंबर जो क्वेश्चन है ना, तीन गुने तीन कोटि के अभी ऊपर दे रखा है, तो समझिए कि तीन गुने तीन कोटि के अभी ऊपर दिया है तो लंबा चौड़ा होगा, ठीक है, लेकिन बड़ियार नहीं है, बहुत आसान है। तो चलिए आते हैं अब इस पर हम निशाना साध रहे हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन है एक माइनस एक दो तीन जीरो माइनस टू एक जीरो तीन। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन का इलाज करनी है। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, लेट आबीहू ए बराबर इसको ले लेंगे, एक माइनस एक दो तीन जीरो माइनस टू एक जीरो तीन। चलिए को फैक्टर निकालना है, इसके लिए तीन गुणे तीन है ना, तो आप इस सिंबल का प्रयोग करेंगे, प्लस माइनस प्लस, यहां पर ए टू वन होगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस ए थ्री वन होगा, माइनस प्लस, इस सिंबल का प्रयोग करेंगे, देसी स्टाइल में बताएंगे इसको भी। प्यारे बच्चों इसके लिए को फैक्टर के लिए ए वन वन देना पड़ेगा, इसके लिए ए वन टू देना पड़ेगा, इसके लिए ए वन थ्री देना पड़ेगा, इसके लिए ए टू वन देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, ए टू टू देना पड़ेगा, ए टू थ्री देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा ना ए थ्री वन, और क्या देना पड़ेगा ए थ्री टू, और ए क्या देना पड़ेगा ए थ्री थ्री देना पड़ेगा। प्यारे बच्चों इसका को फैक्टर चाहिए, सिंपल सी बात है, इसके सामने वाले पंक्ति को पहले हटाइए और स्तंभ को हटाइए, मिलेगा जीरो माइनस दो आ जीरो तीन, इसको ऐसे लिख लीजिए जीरो माइनस दो जीरो तीन। प्यारे बच्चों गुना करेंगे तो जीरो माइनस जीरो बराबर हो जाएगा जीरो, समझ में आया, तो यहां पर जीरो सिंबल का देखिए प्लस है तो प्लस, ये तो ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं। अब चलिए इसका को फैक्टर, तो इसके सामने वाला पंक्ति और स्तंभ य, तितिरी के नौ, बीच में माइनस देते हैं ना, आ एक में माइनस दो से गुना होगा माइनस दो, बीच में माइनस होता है तो प्लस दो हो जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा तितिरी के नौ प्लस दो ग्यारह हो जाएगा, सिंबल देखिए तो यहां पर माइनस देना पड़ेगा, बात समझ में आती होगी आपको बहुत बढ़िया से। इसका को फैक्टर, तो इसके सामने वाला पंक्ति और इसके सामने वाला स्तंभ लीजिए गुना कर, ये पूरा जीरो हुए मिलेगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं इसमें। इसके लिए आइए इसका को फैक्टर, इसके सामने वाले पंक्ति को हटाइए और इसके सामने वाले स्तंभ को गुना करिए, तीन में माइनस एक से गुना माइनस तीन, तो ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस तीन हो जाएगा, लेकिन चिन्ह देखिए माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब ना को फैक्टर हुआ, अगर प्लस माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं करते तो उपसारणिक हो गया। चलिए ए टू टू मतलब इसका को फैक्टर, इसके सामने वाला पंक्ति और इसके सामने वाला स्तंभ यह हटाइए, तो एक दो एक तीन, तो तीन एकम तीन और माइनस दो एकम दो हटेगा तो एक हो जाएगा, चिन्ह देखिए प्लस तो सही है, यहां पर प्लस रहेगा तो चलिए प्लस तो छुपा रहता है, आप देख सकते हैं। ए टू थ्री इसका को फैक्टर, इसके सामने वाला पंक्ति और इसके सामने वाला स्तंभ है, ए गुना करिए जीरो, आप देख सकते हैं क्या आया, एक माइनस एक, इसको हटाइए इधर से, इसको हटाइए इधर से, इसको हटाइए, एक माइनस एक एक जीरो, गुना करेंगे तो एक क्या होगा जीरो, बीच में माइनस तो माइनस माइनस प्लस एक हो जाएगा, यहां पर आया एक, सिंबल देखिए माइनस में होगा तो हो गया। अब इसके को फैक्टर देखेंगे, तो प्यारे बच्चों इसका को फैक्टर क्या होगा, इसके सामने वाला पंक्ति और स्तंभ यह हटाइए तो हई तो गुना होगा माइनस एक में माइनस दो से गुना पॉजिटिव दो हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, दो हो गया, सिंबल देखिए प्लस, तो ठीक है। इसके लिए ए टू थ्री मतलब इसका को फैक्टर, इसके सामने वाला पंक्ति और सामने वाला स्तंभ को हटाइए, तो इसे इसमें गुना होगा तो माइनस दो आ फिर माइनस देकर तीन दुना का छ मतलब माइनस आठ होगा, और सिंबल का बात करिए माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, को फैक्टर निकल गया ए थ्री थ्री, इसके सामने हटाइए इसके सामने, ए तो गुना करिए तो जीरो, ए माइनस और यहाँ पर माइनस तीन होता है, प्लस क्या होगा तीन, और सिंबल में भी प्लस तीन है, चलिए कोई बात नहीं निकल गया। अब चलिए यहाँ से अब हम क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे रे भाई बताइए, तो यहां से क्या करेंगे, एडजॉइंट एडजॉइंट अब हमें निकाल लेना होगा, यहां पर इसको सजा लेते हैं, यहां पर हम कर लेते हैं,
यहीं पर हो जाएगा। चलो यहां पर कर लेते हैं, यहां पर जीरो माइनस ग्यारह, जीरो तीन एक माइनस एक, दो आठ तीन। अब एक इसके इसका जब परिवर्त करेंगे तो यही मिलेगा एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या होगा, जो पंक्ति में स्तंभ में लिखे तो जीरो माइनस ग्यारह जीरो है, कितना होगा तीन एक माइनस एक, एक कितना होगा दो आठ तीन। चलिए अब निकल गया, चलिए निकल आया। अब चलिए काम करते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, और जिसकी जरूरत ना हो उसको हटा देनी चाहिए, ठीक रहता है, बिना मतलब के कपार पर काहे के लिए बोझ रहेगा। तो चलिए अब हमें क्या फाइंड करनी है, टू फाइंड करना है प्यारे बच्चों ए इंटू एडजॉइंट ए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आबिहू है ए, तो आबिहू ए क्या है जी, आबिहू ए है आप देख सकते हैं एक माइनस एक दो तीन जीरो माइनस टू एक जीरो तीन आ इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो आपके आंख के सामने है जी जीरो तीन दो माइनस ग्यारह एक आठ जीरो माइनस एक तीन। चलिए गुना कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो गुना करेंगे तो इससे इसमें गुना ना, तो एक में जीरो से गुना होगा जीरो, आई से इसमें गुना होगा प्लस ग्यारह, आई से इसमें गुना होगा जीरो। लीजिए अब इसमें करना होगा तो गुना होगा तीन, आई से इसमें गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस एक हो जाएगा, और इससे गुना होगा तो माइनस टू हो जाएगा। अब इसमें गुना करना होगा तो दो माइनस कितना हो जाएगा आठ, और प्लस तीन दुना का छ। चलेंगे अब इससे इसमें गुना तो एक गुना होगा जीरो, इसे इसमें गुना होगा जीरो, और इसे इसमें गुना होगा जीरो। अब इसे इसमें गुना करना होगा तीतरी के नौ, और प्लस इसे इसमें गुना होगा जीरो, और माइनस दो में माइनस एक से गुना होगा प्लस दो हो जाएगा। अब इसे इसमें गुना करेंगे तो तीन दुना का छ, और प्लस एक क्या होगा जीरो, और एक क्या होगा माइनस छ हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस छ वे कर दिए। चलिए अब इससे इसमें गुना तो एक क्या होगा जीरो, आई ए क्या हो जाएगा जीरो, आ प्लस ए भी क्या हो जाएगा जीरो। अब इसे इसमें गुना तो ए क्या हो जाएगा तीन, ए क्या होगा जीरो, और ये हो जाएगा माइनस तीन। और इससे अब इसमें गुना करेंगे तो दो हो जाएगा, आ प्लस क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, प्लस तितरी का नौ हो जाएगा। आप यहां से कर लेंगे तो क्या होगा ग्यारह जीरो, चूंकि तीन और माइनस तीन जीरो हो जाएगा, छः दो आठ माइनस आठ जीरो जीरो, यहाँ पर ग्यारह जीरो 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 ग्यारह। आप यहाँ से आप बिहू है तो ग्यारह कॉमन भी कर सकते हैं, या यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ए वाला भाग आपको जरूर समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों चलिए आप उतारिए फटाफट, यहाँ तक देखिए एक बार देख लीजिए, उतारिए मत एक बार देखिए, यहाँ तक आप देख लीजिए। तो चलिए आप जरूर देख लिए होंगे, याद रखिए क्या पहला भाग क्या आया है, यानी ग्यारह जीरो 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 ग्यारह जीरो 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 ग्यारह आया है। तो चलिए यहां से अब इसको मिटका देते हैं, याद रखिएगा इसको फाइंड कर लेना है टू फाइंड। अब दूसरा फाइंड करना है क्या, एडजॉइंट ए आर इंटू ए, ये वही है घुमा दिया है यार, कुछ नहीं है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए लीजिए, एडजॉइंट ए क्या निकाले थे, अब तो हम मिटका दिए, लेकिन कोई बात नहीं, एडजॉइंट ए क्या यहाँ पर हो जाएगा, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जीरो माइनस ग्यारह जीरो निकाल लेंगे, तीन एक माइनस एक दो आठ तीन, इसका परिवर्त करना होता है। तो चलिए यहीं पर हम देख लेंगे, जीरो माइनस ग्यारह जीरो तीन एक माइनस एक और दो आठ तीन, यही था एडजॉइंट ए, आपको निकाल कर दिखाए थे देखे होंगे। चलिए इसको यहां से हटा देते हैं, आ इंटू आबिहू ए, तो आबिहू ए क्या है जी, एक है माइनस एक है दो है ना, यहां पर तीन है जीरो है माइनस टू है, एक है जीरो है तीन है। चलिए गुना करिए तो फटाफट गुना कर लिया जाए, इससे इसमें गुना,
इसे इसमें गुना जीरो, तितिरी के नौ और यहाँ पर दो एकम दो, इसे इसमें गुना करेंगे जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो मिलने वाला है, इधर से इसमें गुना करेंगे जीरो, ये क्या हो जाएगा माइनस छः हो जाएगा और इसे इसमें गुना होगा प्लस छः हो जाएगा। चलिए अब इससे इसमें गुना तो माइनस ग्यारह प्लस तीन और प्लस आठ हो जाएगा। अब इससे इसमें गुना तो माइनस ग्यारह गुने माइनस एक यानी प्लस ग्यारह आ प्लस ए क्या हो जाएगा जीरो आ प्लस ए क्या हो जाएगा जीरो। अब इससे इसमें गुना तो क्या होगा इससे इसमें गुना तो माइनस ग्यारह गुने दो मतलब माइनस बाईस आ इससे इसमें गुना माइनस टू हो जाएगा प्लस माइनस टू हो जाएगा और अठारह का कितना हो जाएगा चौबीस। अब इससे इसमें गुना तो जीरो फिर क्या हो जाएगा माइनस तीन चूँकि इससे इसमें गुना हो जाएगा तो और इससे इसमें गुना होगा प्लस तीन आप इससे इसमें गुना करेंगे तो ये जीरो क्या होगा फिर जीरो आ प्लस फिर जीरो मिलेगा और इससे इसमें आप गुना कर लेंगे तो जीरो आ ए प्लस टू हो जाएगा आप प्लस तितिरी का क्या होगा नौ हो जाएगा। तो आप देखेंगे ए क्या होगा ग्यारह जीरो ग्यारह ए क्या होगा जीरो यहाँ पर क्या हो जाएगा आठ तीन ग्यारह जीरो हो जाएगा ए ग्यारह हो जाएगा ए जीरो हो जाएगा माइनस बाईस माइनस टू माइनस चौबीस प्लस चौबीस वो तो जीरो हो जाएगा ए जीरो ए भी जीरो और ए ग्यारह देखिए ए भी उसके बराबर आ गया मतलब ये दोनों बराबर आ गया और ये दोनों किसके बराबर होता है यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई के बराबर होता है। तो पहले सारणी का मान निकालना पड़ेगा इसका। तो चलिए इसको भी यहाँ से हम मिटका देते हैं आप देख लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक काम कर लेंगे हम इस सारणिक ए निकाल लेते हैं तो यहाँ पर एक माइनस एक दो तीन दो माइनस टू एक जीरो तीन आप जानते होंगे प्लस माइनस प्लस आपको तो पहले से मालूम है। चलिए एक का को फैक्टर देख लिया जाए तो इसके सामने वाला पंक्ति और स्तंभ या क्या होगा जीरो जीरो माइनस टू तीन आई माइनस माइनस प्लस एक का को फैक्टर इसके सामने तीन माइनस टू एक तीन हो जाएगा आ प्लस दो का को फैक्टर इसके सामने यानी तीन जीरो एक जीरो आ रहा है। आप देख सकते हैं कि एक इंटू ये तो जीरो माइनस जीरो आ प्लस यहाँ पर एक इंटू तितिरी के नौ माइनस तो ये माइनस माइनस प्लस होगा दो एकम दो आ प्लस ये दो आ इंटू जीरो माइनस जीरो यानी कुल मिलाकर आपको मान लीजिए मान क्या लिया जाए आपका आ गया है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान ग्यारह आया है। अब हमें क्या चाहिए तो ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई तो इसका मान कितना आया ग्यारह यहाँ पर देख सकते हैं ग्यारह इंटू इसका मान एक जीरो 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 एक जीरो 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 एक आप गुना कर लेंगे तो क्या मिलेगा ग्यारह जीरो जीरो गुना करिए जीरो ग्यारह जीरो 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 ग्यारह। तो प्यारे बच्चों तीनों क्या रिजल्ट आपस में क्या है बराबर है इस आधार पर लिख सकते हैं यानी देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए आ इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई यही रहा प्रूफ। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर दोस्तों आपको समझ में आया तो आप लाइक जरूर करिए कमेंट्स जरूर करिए और वीडियो को जरूर भी शेयर करिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।